बहुत स्वागत है जी सारे स्टूडेंट्स का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट शो ने पिछले कुछ दिनों तो पंजाब बहुत वड्डी गिनती अफवाहां फैल रही ने। कुछ अफवाहां अजिहां ने कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल आ गई, गल हज़ारां दी कीती जा रही है, पर हकीकत की है ये समझना बहुत जरूरी है। भावें क्यूबिक की गल हो, भावें किसी भी प्रोविंस की गल हो, कोई भी व्हाट्सएप का जिहड़ा मैसेज है भावें वह किसी भी मुल्क का है, वह जरूरी नहीं कि वह साढ़े मुल्क से भी लागू होंदा होवे। सिचुएशन के हिसाब के नाल डिसीजन है जिहड़ियां किसी भी मुल्क की इमीग्रेशन करती है। सो इस करके अफवाहों तो बचन की लोड़ है। और जसमीत जी के नाल गल करांगे कि अजिहे मौके विद्यार्थी किहड़ियां-किहड़ियां सावधानियां वरतन जदों रिफ्यूजल आ रही ने, पर जिनी अफवाह फैल रही है उस पद्धर ते रिफ्यूजल नहीं आ रही। ये उपर मैं जसमीत जी के खास शो करूँगा। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जसमीत जी। कई स्टूडेंट साढ़े वैसे तो रिफ्यूजल तो डरना नहीं किसी ने, क्योंकि जिंदगी हार जित चलती है तो छोटी जी गल है रिफ्यूजल। ये तुसी अगला अटैम्प्ट करोगे तो रिफ्यूजल क्लीयर हो सकती है जसमीत जी। पर फिर भी कई स्टूडेंट ना बड़े, क्योंकि सारे बच्चे ने 19-20 साल के बच्चे ज़्यादा ने साढ़े, फिर भी कितना कितने उन्होंने लगता है कि साढ़े दोस्त का PPR आ गया तो साढ़ा रिफ्यूजल आ गया। तो कुछ दिन तुना तो मैं देख रहा सोशल मीडिया से कि हज़ारों की गिणती जो लख नू टच करते कि रिफ्यूजल आ गई जी, अजिहा क्यों है? एक दिन च की इनिया रिफ्यूजल आ सकती ने? ये अफवाहां कितों जनरेट होंदिया ने? स्टूडेंट किवें इन्हां नू टैकल करना? असी एक तो बहुत छोटी उम्र होंगी है एंड उस टाइम पर जो असी बहुत ज़्यादा नैगेटिव एक सिचुएशन आ जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्रीम देखा होंगे कि असी बाहर जाके सैटल होवांगे, पढ़ांगे एंड अपना भविष्य च कुछ वधिया करांगे। बट इदा की कुछ अफवाह आ जाती है सानू हर चीज़ पर कि कहते हैं जिन्होंने कहते विश्वास नहीं करना चाहिए। सो और इदा की ही एक अफवाह कैनेडा के रिफ्यूजल लैके चली हुई है जिसे हज़ार नंबर रिफ्यूजल की गल की जा रही है और वो बहुत ज़्यादा वायरल बनी हुई है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के फोन आए कि सर ये सच है, तो मैं उन्होंने यही गाइड किया कि प्लीज़ इदा के मैसेजेस जिड़े कि नाइजीरिया तो फ्लोट हो रहे हैं उन्होंने अवॉयड किया जाए। सो बिल्कुल इदा की कोई सिचुएशन नहीं बनी हुई है एंड होपफुल हैगा कि आने वाले थोड़े दिनों में जी सिचुएशन है इंप्रूव हो जाएगी और जो स्टूडेंट कैनेडा जाना चाहते हैं उन्हों का जो सपना है बाहर जाने का वो सच हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो अफवाहों तो बचन की लोड़ है। जसमीत जी अफवाहों के पिछे कि कोई खास मंत वाले लोग भी हो सकते हैं कि अगर इस तरीके की अफवाह आए तो एक जड़ा, क्योंकि बिजनेस भी है, एजुकेशन एक सैक्टर है, भावें सरकार बिजनेस मने ना मने लेकिन एक कम्यूनिटी है जिदे ट्रेड भी होंगे, व्यापार भी होंगे और सर्विस भी है और भला भी है, पुन भी है। इस पूरे सैक्टर नूं इन्फ्लुएंस करन दे लई कितें इदां दीआं अफवाहां तां नहीं जनरेट कीतियां जांदियां? असीं देखो बिल्कुल देख सकते हैं कुछ कंसल्टेंट इदां दे हुंदे जिहड़े कैनेडा नाल बिल्कुल ही अपना की कहिंदे परिचय नहीं रखते, बिल्कुल उन्हां नूं कैनेडा आउंदा ही नहीं हैगा और उन्हां नूं बाकी कंट्रीज़ बिल्कुल फेमस आउंदे आ चंगी तरह, खास करके UK नूं कह लईए, आस्ट्रेलिया नूं कह लईए, न्यूजीलैंड नूं कह लईए। कई बार इदां देखण नूं मिलदा कि इन्हां कंट्रियां विच फंड शो बहुत ज़्यादा हुंदा है और स्टूडेंट नूं कितें ना कितें मिसगाइड किया जाता है। सो ये सारी सिचुएशन नूं देखदिआं होइआं मैनूं ये लगता कि स्टूडेंट्स कि कैनेडा भुल के किसी होर कंट्री से अप्लाई करन सिचुएशन भी हो सकती है। बट फिर भी असी की कहते हैं इस चीज़ को देखते हुए जरूर मैं ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज़ के नाल ये गल लै चुके हैं और बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो जी अफवाह आई है मैं उन्होंने कह के इन वेरीफाई करो और किदा मार्केट से फ्लोट हो रही है, दिस इज़ रियली सीरीयस सिचुएशन एंड वी शुड अवॉयड बिकॉज बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट कुछ मतलब कहने कि बहुत जेन्युइन स्टूडेंट किसी चीज़ को अपने दिल ना ला बैठते हैं और चंगे नंबर चंगे बैंड हो तो बावजूद तुसी देखे अपनी शो च 92% 7 बैंड वाला स्टूडेंट कहता मेरी रिफ्यूजल आ गई। सो इदा के काफ़ी स्टूडेंट अपने दिल में ला बैठते हैं और रीअफाइल नहीं करेंगे, बल्कि 92% 7 बैंड वाले रिफ्यूजल आनी नहीं चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी वो फाइल से, कोई ना कोई दिक्कत होनी वो फाइल में। सो स्टूडेंट रैस नॉट फोकस ऑन दैट, लैट सी कि इफ देर इज़ एनी पॉलिसी चेंज इन कैनेडाज एजुकेशन थिंग एंड इफ देर इज़ एनी न्यू थिंग कमिंग अप एंड वट आर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन कमिंग अप दैट विल अफेक्ट द कैनेडियन एजुकेशन मार्केट, सो वी शुड बी रियली सीरियस अबाउट इट एंड आई एम वेरी होपफुल कि फ्यूचर विल be bright for students who are willing to go to Canada. बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने इस शो के भी साढ़े नाल सांझी कीती है। सो सारे स्टूडेंट 90413 90412 संपर्क कर सकते हैं जसमीत जी के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।